मैं इस कंपनी की भागदौड़ इसलिए नहीं संभाल सकता हूं क्योंकि मेरे पास कंपनी के शेयर सिर्फ 20% है। या यूं कहूं कि आप सब लोगों को इस बात का डर सता रहा है, कहीं मैं आप लोगों से ज्यादा कंपनी रन कर लूं और आप सब लोगों की मेल ईगो हर्ट, आई मीन आप सबकी मर्दानगी पर ठेस ना पहुंच जाए। हैरानगी की बात तो यह है शुभकार साहब, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये सोच के चल रहा था कि मेरे पापा के जाने के बाद आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो तस्वीर ही बदल चुकी है। आप सब ने अपने अपने रंग दिखा दिए हैं। और खरे अंकल, आपको क्या हुआ? आप तो मुझे अपने बेटे जैसे मानते थे, तो आपको कैसे मुझे मेरी खामियां नजर आने लगी? आपको कैसे लग रहा कि मुझसे बेटर ऑप्शन शुभांशु है? पापा सच कहते थे कि ये दुनिया मतलबी लोगों से भरी पड़ी है, मतलब खत्म तो काम खत्म। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ना ही मैं अपनी जिद छोड़ूंगा और ना ही मैं अपनी सीईओ की कुर्सी। अंडरस्टैंड, समझ गया? तो आप लोग यहां से जा सकते हैं।